नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आज हम आपको नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रिय प्रधानमंत्री जी हमारे गुजरात से हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था, गुजरात के वडनगर के एक काफी गरीब परिवार में। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था, जिनकी एक टी शॉप हुआ करती थी रेलवे स्टेशन पे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। माँ का नाम हीराबेन है। उनकी माँ भी रेलवे स्टेशन पे टी स्टॉल पे हाथ बटाया करती थी। मोदी जी भी बचपन से ही अपने पिताजी की चाय की दुकान पे हाथ बटाया करते थे। उनके 5 भाई बहन हैं, जिनमें से मोदी जी दूसरे नंबर के हैं। अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने के बाद मोदी जी घर आके अपनी पढ़ाई करते थे। देश को लेके मोदी जी के मन में शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा देशभक्ति रही है। इंडिया चाइना वॉर के दौरान भी मोदी जी ने ट्रेन से जाते हुए देश के जवानों की काफ़ी सेवा की। मोदी जी बचपन से ही देश के लिए छोटा छोटा योगदान देते आए हैं। मोदी जी पढ़ाई में एक औसत बच्चे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी को एक्टिंग का भी बहुत शौक था और वो छोटे मोटे नाटकों में भाग लिया करते थे। वे साधु संत के भी काफ़ी करीब थे। शुरू से ही पूजा पाठ में भी उनका मन लगता था। उनको अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में ही सन्यासी बनने का ख्याल आ चुका था, जिसके लिए उन्होंने आगे जाकर पढ़ाई भी छोड़ दी और सन्यासी बनने के लिए वो बंगाल और हिमालया में गए। फिर वे आरएसएस के भी सदस्य बने और आगे जाके उन्होंने वहाँ बाल स्वयं सेवक की शपथ ली और धीरे धीरे करके वे आरएसएस के बड़े बड़े शिविरों में मैनेजर के रूप में काम करते। धीरे धीरे लोगों के बीच मोदी जी अलग से दिखने लगे थे। आरएसएस के बड़े बड़े कामों में अब मोदी जी की सलाह ली जाने लगी। फिर उन्होंने सन्यासी जीवन जीना शुरू कर दिया। फिर जब मोदी 18 साल के हुए तो उनकी माँ ने बनासकांठा जिला के राजा सोना गांव में रहने वाली ज्योत्सना बेन से उनकी शादी करवा दी। शादी के 3 साल बाद मोदी जी अहमदाबाद में एक संघ मुख्यालय में रहने लगे। वहाँ वे सारे काम करते थे, जैसे कि झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना। आपने आज भी देखा होगा, मोदी जी हर काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी प्रेरित थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे एक रथ यात्रा भी निकाली थी। 1990 के दौरान मोदी जी ने अडवाणी जी की रथ यात्रा, जो कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक थी, उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई और उसके बाद से उनको बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए न्योता दिया और मोदी जी ने भी बिना वक्त ज़ाया किए बीजेपी ज्वाइन कर ली और पूरा मन लगा के देश की सेवा में जुट गए। सुबह सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाने से लेकर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैली भी वे निकालते थे। 1985 में बीजेपी भारी बहुमत से जीता और फिर मोदी जी को दिल्ली बुला के केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री की काफ़ी तबीयत खराब रहने लगी, इसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान होने लगा। फिर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर तो आप सभी जानते ही हैं मोदी जी ने गुजरात के लिए क्या कुछ नहीं किया।
बड़ी बड़ी कंपनीज को गुजरात में काम करने का मौका दिया और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया गया। उसी दौरान कुछ दंगों में भी उनका नाम जोड़कर उनकी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई, लेकिन मोदी जी कहाँ रुकने वाले थे। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया कि दंगों में मोदी जी का कोई हाथ नहीं था। उसके बाद मोदी जी 4 बार गुजरात का इलेक्शन जीते। फिर उनकी कामयाबी और अच्छे कामों को देखते हुए 2014 में लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। फिर तो आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं कि मोदी जी ने इस देश के लिए क्या कुछ किया है। फिर 2019 के इलेक्शन में देश ने एक बार फिर मोदी जी को ही चुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।